आज नई दिल्ली में मादक द्रव्य तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी और उपयोग न केवल आने वाली नस्लों को बर्बाद करता है बल्कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। 75,000 किलोग्राम मादक पदार्थों का विनष्टीकरण ब्यूरो की सभी क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा किया जाएगा। मादक पदार्थों की तस्करी और उपयोग न केवल आने वाली नस्लों को बर्बाद करता है परंतु वो राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित करता है, क्योंकि हमारे जो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह से हमारे पड़ोसियों का एक प्रकार का निरंतर व्यवहार डिस्टर्बेंस खड़े करने का है, वो मादक पदार्थों की तस्करी को सीधा टेरर लिंक से जोड़ता है, या हथियारों की तस्करी को भी इससे बढ़ावा मिलता है। हमारे अर्थतंत्र को नुकसान पहुंचाने के सारे उपायों को भी ज्यादा मजबूत करता है। तो जहां तक भारत का सवाल है, हम मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा को अलग नहीं कर सकते, इसलिए भारत जैसे देश में मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम कसना और उसके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार करना, मैं समझता हूं कि समग्र विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।